अभी आपने स्पीड पे बात करी थी, कहावत आप बता रहे थे चीते की और हिरण की, स्पीड पे ही हम बात करेंगे। जब आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है ना, हमारे पास वक्त नहीं किसी भी चीज़ के लिए। हम जब खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाना खाया 5 से 10 मिनट और उठ जाते हैं। तो हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए खाना हमें कैसे खाना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। मैं एक खाना बता सकता हूँ, वो आपकी शुगर रिवर्स कर सकता है। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर की गोली छुड़वा सकता है, आपका थायराइड ठीक कर सकता है। एक ऐसा खाना जो आपको कभी चश्मा नहीं लगने देगा जी, आपको कभी बीमार नहीं होने देगा, कभी बच्चा ऑपरेशन से नहीं होगा जी, कभी आपको डायबिटीज, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। तो बता दूं आचार्य जी, बहुत बड़ा राज होने। सुबह एक तो रात को सोते टाइम सिर जो है पूर्व में या दक्षिण में रख के सोना चाहिए। अच्छा। जो सोते टाइम सिर है ये पूर्व यानी कि ईस्ट में रखो जी, या पूर्व की तरफ मुख करो, जो राइट साइड है दक्षिण हो, जैसे पूर्व इधर है मान लो, तो ये राइट साइड दक्षिण है, ठीक है। तो पूर्व में दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी लेटना है हमेशा बाई करवट लेटना है, लेफ्ट साइड, ठीक है। जब भी सुबह उठना है तो दाई करवट उठना है, लेकिन सुबह उठने उठते ही उठना नहीं है, उठ के जैसे आपकी आंख खुलगी ना तो पहले बॉडी को हिलाना है लेटे 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 जी। आपने कभी नोटिस करा है, मैं एक लाइन जोड़ दूं, मुझे भूल जाऊंगा, लोगों को बुजुर्गों को रात को कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, बिल्कुल। कई बार लोग सुबह सुबह गिरे पड़े मिलते हैं, वजह की जब रात को सोए होते हैं ना तो पेट में आया होता है ब्लड सारा। हमारी बॉडी में 5 लीटर खून है। जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी पार्टी पे जाते हैं, बाहर का खाते हैं, लेट खाते हैं, तो 2.5-3 लीटर खून चाहिए हजम होने के लिए। तो वो लंग्स में भी कम हो गया, घुटनों में भी कम हो गया, एडी में भी कम हो गया, फ्लो कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा खाना डाइजेशन में चला गया। इसीलिए खाना खाने के बाद ड्राइवर को गाड़ी चलाने से हम रोकते हैं। हम कई बार गाड़ी पे जाते हैं लंबे सफर पे, तो ड्राइवर को बोलते हैं हल्का खाना खाइए भाई वरना तेरे को नींद आएगी। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन को भी ब्लड नीच ब्रेन से भी नीचे आ जाता है, नींद आती है इससे हमें। इसीलिए जब आप भटूरे छोले खा लेते हो, लस्सी पी लेते हो, परोठे खा लेते हो तो सुस्ती चढ़ती है, बिल्कुल हकीकत है। आपके ऑफिस में भी जितने लोग परोठे खा के आते हैं ना, वो देखना ऐसे काम कर रहे हैं सुस्त सुस्त, और जो फ्रूट्स खा के फटाफट लगे होंगे, एक्टिव होंगे वो, क्योंकि उन्होंने उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है। मतलब जो भी हैवी खाना खाएगा ना तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो कर देता। जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, इनके जब ट्रकों के एक्सीडेंट देखोगे आप, नोटिस करना ट्रक ड्राइवरों के एक्सीडेंट से आधा पौना घंटा पहले उन्होंने हैवी खाना खाया होगा। ये रिसर्च हुई थी थोड़े दिन पहले, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने चेक करा कि जब हैवी खाना खाते हैं ना तो ये ट्रक की ठोक डालते हैं, क्योंकि झपकी आ जाती है ना ऐसे ऐसे। आप देखा होगा कई बार लोग गाड़ी चलाते तब यूं यूं कर रहे होते हैं जी, 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 तो वापस खाने पे जाते हैं। तो सुबह उठ के आपने, रात को आपने पूरा दक्षिण में सिर किया, बाई करवट लेके सोए, सुबह उठ के पहले बॉडी को हिलाना है, किसी भी बुजुर्ग को, जवान को, ताकि बॉडी में ब्लड घूम जाए। फिर आराम से दाई करवट लेके उठ के बैठ जाना है, फिर चेक करना है कौन सी सांस चल रही है जी। एक चल रही होगी लेफ्ट या राइट, हमेशा एक चलती है जब सुबह, तो जो चल रही है वो वाला पांव जमीन पे रखना है। अच्छा। एक को बंद करो, हाँ। नीचे हवा करो, दूसरे को बंद करो, नीचे हवा फेंको, पता लग जाएगा जो जहां हवा आ रही है, जिधर ज्यादा आ रही है वो चल रही है, तो वो वाला पांव जमीन पे रखना है। उसका यूरिन मैंने बोला नीचे बैठ के करना है उकड़ू स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद नाश्ते में जितना आपका वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं पहले। अच्छा। जैसे आपका वजन कितना है? अराउंड 54, 55, 60, 85। अरे बाप रे, लगता तो नहीं तुम बोन्स वेट, बोन्स वेट है ना, हड्डियों का वेट। तो 85 मतलब 850 ग्राम, 54 मतलब 540 ग्राम, 600 ग्राम। आपने पहले फ्रूट्स खाने हैं 3 से 4 तरह के सीजन के। अच्छा। पूरा भर के आराम से खा लो पहले, उसके ऊपर से जो दिल करे वो खा लो। रोटी खानी है, चावल खाने हैं, चिवड़ा खाना है, दलिया खाना है, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी खाना है खा लो जी। लेकिन पहले फ्रूट खा के, फ्रूट मतलब प्लेट वन जी। फिर जो भी खाना है उसको प्लेट टू बोलोगे, मतलब आप 2 प्लेटें बना लो, प्लेट वन प्लेट टू, लेकिन इकट्ठी मत रखना। हाँ हाँ। फिर वो कंट्रोल नहीं होता। एक साथ फिर क्या बनना पड़ता है, एक ग्रह इधर से एक खीरा, एक ग्रह इधर से एक सेब का टुकड़ा, ऐसे नहीं करना। पहले ये फिनिश करेंगे फिर ये खाएंगे, और दोनों में गैप नहीं होगा। अच्छा। अभी खत्म अभी ये शुरू, लोग गैप कर देते हैं कहीं 15 मिनट का, आधे घंटे का, नहीं। तो प्लेट वन प्लेट टू ऐसे खा लिया, नाश्ता हो गया, तो वजन गुणा 10 ग्राम का फॉर्मूला लगेगा सुबह जी। अब दोपहर को और शाम को लगेगा फॉर्मूला वजन गुणा 5 ग्राम का। जैसे आपका वजन है 60 किलो, तो 300 ग्राम आपको, 250 ग्राम आपको, 400 ग्राम। पहले सैलड खानी है, जो भी खीरा, टमाटर, मूली, प्याज, ककड़ी, जो भी खाना है वो खाओ। सफेद नमक नहीं डालना। अच्छा। सफेद नमक कहीं नहीं डालना, ना दही पे जी, ना रायते पे, ना सलाद पे, ना फ्रूट पे, ना लोगों के जख्मों पे, कहीं नहीं डालना जी।
कई लोग छेड़ते हैं ना जख्म में नमक डाल के, तो सफेद नमक नहीं डालना। हाँ, सेंधा नमक डाल सकते हो, काला नमक डाल सकते हो, पिंक सॉल्ट वही सेंधा नमक डाल सकते हो, या फिर आप भुनावा जीरा, हल्की सी ज्वैन, सौंफ कुछ भी डाल सकते हो, चटनी चूरन बना लो, अमचूर पांच तरह का बना लो, ठीक है। उसके बाद सैलड खानी है अपने वजन गुणा पांच का फार्मूला, और ऊपर से जो भी रोटी चावल जो भी खाना है, एक चीज रोटी या चावल में से एक चीज, और जो खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं। शाम को आपने पहले वही वजन गुणा पांच का फार्मूला, ऊपर से जो खाना है वो खा लो, ये आपका डाइट चार्ट हो गया। अब इस दौरान अगर आपको शुगर की गोली छोड़नी है या इंसुलिन छोड़ना है जी, तो आप कुछ दिन के लिए शाम वाली प्लेट टू उड़ा दो। अच्छा, प्लेट वन कर लो, प्लेट टू उड़ा दो शाम वाली थोड़े दिन के लिए, और सुबह वाली और दोपहर वाली में भी थोड़ा गैप बढ़ा दो। अच्छा, मतलब पहले वाली हजम हो जाए तब तक दूसरे वाली मत खाओ। भारत भगवान ने ना गलती कर रखी है, यहाँ पे ना शीशा नहीं लगाया, दिखता रहता कि सुबह वाला कहाँ पहुंचा, अच्छा यहाँ है अभी, अच्छा ओके, अच्छा अब तो बंदे को पता होता भी पहले वाला तो हजम हुआ नहीं, कैसे खाऊं मैं। और ऐसे करते ही आपकी शुगर की गोली, इंसुलिन आपको विद इन 7 डेज, इसको बोलते हैं DIP डाइट। अच्छा,